हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। देखिए, लगातार भारत और नेपाल के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं और यह ना भारत के हित में और ना नेपाल के हित में, क्योंकि इसका सीधा फायदा चीन उठाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें दोनों देशों के रिलेशन और खराब होने के आसार हैं। उन्होंने अब यह कहा कि राम नेपाली थे ना कि भारतीय। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री आवास पे चल रहे एक इवेंट में कहा। अगर आपको लगता है केपी ओली ने ऐसे ही यह बयान दिया है तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा इसके पीछे केपी ओली का कितना सातिर और भयानक चाल है। देखो, अभी नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसमें दो पार्टी, एक केपी ओली की पार्टी और दूसरा प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों में एक डील हुआ था कि आधे आधे समय के लिए दोनों सत्ता में रहेंगे। अब जब केपी ओली के जगह प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने का समय आ रहा है तो सत्ता के भूखे केपी ओली ने पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ने से इनकार किया। 2 महीने पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी टूटने के कगार पे थी, लेकिन चीनी डिप्लोमेट्स ने कई सारी मीटिंग करके ओली की सरकार गिरने से बचा लिया था, क्योंकि केपी ओली से ज्यादा वफादार नेपाल में कोई नहीं दूसरा होगा चीन के लिए। देखो, सत्ता बचाने के लोभ में केपी ओली ने पहले काला पानी, लिपू लेक और उत्तराखंड में आने वाले लिम्पिया दूरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, ताकि नेपाली लोगों में देशभक्ति जाग जाए। लेकिन उनकी देशभक्ति तब दिख गई जब खुद उनके गवर्नमेंट के रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया कि चीन धीरे धीरे नेपाल के जमीन पे कब्जा किए जा रहा है। तब उनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकला। जब देशभक्ति वाला दांव उल्टा पड़ गया तो अब वो धार्मिक खेल खेलने पे शुरू हो गए। उन्हें अच्छे से पता है कि भारत में राम को लेके लोगों के मन में कितना आस्था है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि वो अपने सत्ता बचाने के लिए भारत और नेपाल के लोगों में नफरत भरने की भी कोशिश करेंगे। केपी ओली ने यह कहा कि भारतीय लोग सालों से बोलते रहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और इसके वजह से हम नेपाल के लोग भी यह मान बैठे हैं, लेकिन सच बात यह है कि रियल अयोध्या जो है वो थोरी में है, जो बीरगंज में पड़ता है। उन्होंने भारत पे आरोप लगाया कि भारत हमारे पुराने कल्चर पे कब्जा करना चाहता है फेक अयोध्या बना के। आप उनके बातों से देखो कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट भड़काने के लिए कैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे अपने खुद का लॉजिक बताया और कहा कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है, जहां राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि राम उत्तर प्रदेश से जनकपुर कैसे आ सकते हैं सीता से शादी के लिए, जबकि उस समय कोई फोन भी नहीं था कम्युनिकेशन के लिए और ना उस समय इतने दूर लोग जाते थे शादी के लिए। देखो, पता नहीं केपी ओली कहां से ऐसे लॉजिक लाते हैं। अगर उनके लॉजिक से श्रीलंका भी चलने लगे तो कहीं वो भी नहीं कह दे कि राम तो श्रीलंका का है, क्योंकि राम और उनके इतने बड़े सेना समुद्र को कभी पार ही नहीं कर सकते थे, जबकि उस समय तो ना कोई वोट था या ना कोई और कोई साधन था समुद्र पार करने का। देखो, मेरी राय यही है कि आप लोग चाहे भारत के हो या नेपाल के, ऐसे नेता सबके बयान में आके लोगों के बीच दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों देशों को यह सोचना चाहिए कि दोनों जगह हिंदू मेजोरिटी में है और दोनों के लिए भगवान राम एक ही तरह पूजनीय है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए